विद्या वार्ता इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बापू घोलप। ये देखिए मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, जहाँ से मैं कंप्यूटर पे एडिटिंग करता हूँ, प्रोफेशनली वीडियो बनाता हूँ, और हमारा जो शोध कार्य चलता है विद्यावार्ता रिसर्च जर्नल और हर्षवर्धन पब्लिकेशन का, यही कंप्यूटर देखने की और हमारा पर्सनल ऑफिस देखने की काफ़ी सारे लोगों ने इच्छा प्रकट की थी, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बनाने जा रहे हैं मेकिंग विद्यावार्ता। देखिए आप जो देख रहे हैं, आपका भी इस कंप्यूटर में, इस सिस्टम में कोई आर्टिकल पड़ा होगा, आपका नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, आपका भी जो रिसर्च है हमने यहाँ पे सेव किया है। ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, गजानन जी की, गणपति जी की पूजा करके या उनको नमन करके ही मैं अच्छा सा कार्य करता हूँ। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि काफ़ी सारा कम्युनिकेशन जो है वो अनदेखे अनजाने लोगों से काफ़ी दूर से होता है, तो उनसे मैं थोड़ी गुप्तगु बनाऊं और हमारी ये जो जर्नी है आपसे शेयर करूं। आपके सहयोग से ही ये हमने पब्लिकेशन चलाया है, जहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड कॉपी स्पेशल इशू पे जहाँ पे काम किया है, ये स्पेशल इशू रिकॉर्ड के लिए मैंने मेरे घर में, मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में यहाँ पे रखे हैं। वैसे तो एडिटिंग का काम मैं हर्षवर्धन पब्लिकेशन के ऑफिस में भी करता हूँ, लेकिन ये वीडियो बना जा रहा है वो मेरे घर पे, मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे। ये देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे हैं या अर्चना मैडम है, इस लैपटॉप पे काम करती है और मैं इस पीसी पे काम करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे हमारी जर्नी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखिए आपको। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर बापू घोलप, विद्यावार्ता की ओर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ अलग सी बात करने वाले हैं, मेकिंग विद्यावार्ता, यानी कि पिछले 6-7 साल से हम आपसे जो रिलेशन बना के रखे हैं, पूरे इंडिया में हम जो रिसर्च मैगजीन्स और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके संदर्भ में कुछ बात करने वाला हूँ। ये मुकाम हमने कैसे हासिल किया, आपसे बात करने का तरीका या आपसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का, किताब डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, और इसके संदर्भ में मैं आपसे आज इस वीडियो, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम शैक्षणिक अनुसंधान, अकादमिक समाचार तथा नवीन सरकारी नियम, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के समाचार, साहित्य आलोचना और सम्मेलनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यदि आप इन गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो तुरंत क्लिक करें। शैक्षणिक क्षेत्र के लोग इसे मुफ्त सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। रिसर्च पब्लिकेशन, मैगजीन्स, बुक, ISSN नंबर्स, यानी कि ये पूरा संशोधन कार्य, शोध कार्य, इससे रिलेटेड कुछ आपसे मैं बात करने वाला हूँ। आप पूरी बात सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग और आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ मालूमात हो सकती है। मैं इस वीडियो में विद्यावार्ता कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे प्रिंट होता है, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको चौंकन्ना करने देने वाली बात बताने वाला हूँ। ये हमारी रेगुलरली प्रिंटिंग करने की मशीन है, जहाँ पे विद्यावार्ता रिसर्च जर्नल और प्रिंटिंग एरिया जर्नल पब्लिश होता है। हर्षवर्धन पब्लिकेशन की ओर से जितने भी ISBN बुक्स पब्लिश होते हैं वो इसी ऑटोमेटिक हेवी मशीन पे पब्लिश होते हैं, प्रिंटिंग होते हैं। इनर पेजेस ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करने के लिए और उसकी बढ़िया क्वालिटी देने के लिए हमने ये मशीन चुनी है। यहाँ पे हमारे वर्कर्स समय पे, फिक्स डेट पे काम करते हैं। जो समय दिया है ऑथर को, जो समय दिया है लेखकों को, उसी डेट पे हम बुक्स देते हैं। दोस्तों मैंने मराठी में PhD किया है, मराठी लैंग्वेज में सेटनेट भी परीक्षा पास हूँ और एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये काम करते करते मुझे ध्यान आया कि हम रिसर्च के रिलेटेड और भी कुछ अच्छा सा काम कर सकते हैं, जॉब वर्क, DTP वर्क, शोध कार्य और संशोधन कार्य की कुछ मालूमात मेरे पास है, तो मैं ये कार्य और प्रोफेशनली बढ़ा सकता हूँ। और हमने 2012 में विद्यावार्ता नाम से ये मैगजीन रजिस्टर किया,
गवर्नमेंट ने हमें अच्छा सा ये नाम दिया, 6 ऑप्शन देने पड़ते हैं, उसमें से हमें 2012 में विद्यावार्ता ये अच्छा ऑप्शन मिला, अच्छा नाम मिला। अब हमने सोचा कि इसको पूरे इंडिया में फैलाएंगे। वैसे तो हम इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल की तौर से पूरे इंडिया में परिचित हो गए हैं, विदेश में भी हमने बुक्स और मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऑथर विदेश से भी विद्यावार्ता में जुड़े हैं। तो 2012 में जब हमें ISSN नंबर मिला और हमने रजिस्टर करके पहला अंक पहला इशू लॉन्च किया, तो लिमिटेड ऑथर थे, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आज 6-7 साल हो गए हैं तो इसकी काफ़ी सारी चर्चा हो गई है और ये एक पूरे इंडिया में ब्रांड बन गया है। एजुकेशन में, रिसर्च में और शोध कार्य के जो भी छोटे छोटे फील्ड हैं उनमें हमने पैर रखा है और अच्छा सा काम कर रहे हैं। ये पूरा सफ़र हमने कैसे किया, यही मैं आज आपसे बताने वाला हूँ। विद्यावार्ता रिसर्च जर्नल की एडिटिंग प्रिंटिंग प्रोसेस। जब हमने ये रिसर्च जर्नल शुरू करने का तय किया था तो कुछ संपादक मंडल के सदस्य जो हमारे सहयोगी थे, आर्ट्स कॉमर्स सोशल साइंस से रिलेटेड मेरे परिचित गुरुजन थे, मेरे PhD के गाइड थे और हमारे यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से कुछ टीचर्स थे, हम सब लोगों ने तय किया और ये मैगजीन शुरू किया। पहले तो इसकी जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना, नाम कहाँ से अलर्ट करना, ISSN नंबर कैसे मिलता है, ये कुछ भी हमें मालूम नहीं था। ये पूरा मैंने नेट से सर्च करके निकाला, जो कुछ लोग थे जानने परिचित उन्होंने ठीक से बात नहीं बताई, क्योंकि ऐसा है कि नया कोई अगर आदमी या फील्ड में आ रहा है, पब्लिकेशन वर्ल्ड में आ रहा है, तो वो स्पर्धा बढ़ेगी या हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा, इसकी तौर से मुझे लगता है कुछ लोगों ने ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं बताई। लेकिन यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट से भी काफ़ी सारी मालूमात हम निकाल सकते हैं, ज्ञान का भंडार खुला है और यही सोच के हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और डॉक्यूमेंट पूरे ओके करके ही लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका API स्कोर PhD कम्प्लीट करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है उसमें हम अच्छा सा हेल्प कर सकते हैं। और 2013 में अच्छा सा ग्रिप पकड़ा। ज़्यादातर कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी, मराठी भाषा जो है मेरी और मराठी रीजनल लैंग्वेज होने के कारण पूरे इंडिया में कम्युनिकेशन करना, अलग अलग से राज्य में अलग अलग से भाषा बोली जाती है, वैसे तो ज़्यादातर हिंदी का माहौल है, हिंदी में कम्युनिकेशन अच्छा सा हो सकता है, लेकिन हिंदी में भी जो छोटे छोटे बदलाव हैं, छोटे छोटे रीजनल में अलग अलग से टोन में लोग बात करते हैं वो समझना, और दूसरी बात उनका लिटरेचर समझना, एडिट करना, ये हमें थोड़ा सा दिक्कत देता था। लेकिन इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग से सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट लोगों को चुना और ऐसे लोगों को चुना जो कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं, क्योंकि अगर किसी ने आर्टिकल भेजा, रिसर्च पेपर भेजा, तो उसको एडिट करने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमने किसी को ईमेल फॉरवर्ड किया तो उसने वो करेक्शन करके देना चाहिए, कोई सजेशन बताना चाहिए। 2012-13 में प्लेगरिज्म का इतना चर्चा नहीं चल रहा था, आजकल बहुत चर्चा चल रहा है और विद्यावार्ता.com वेबसाइट पे हमने ये प्लेगरिज्म चेक करने का टूल भी अवेलेबल अभी कर दिया है। तो दोस्तों, ये शुरुआती का जो दौर था वो हमने कम्युनिकेशन और लैंग्वेज जो समझनी है, अलग अलग से सब्जेक्ट जो है उनकी थीम जो है वो समझने में ज़्यादा जोर दिया और वो समझ के लोगों को हेल्प करने की कोशिश की। अब दोस्तों, नया ISSN नंबर मिला है, नया पब्लिकेशन है, कहाँ से प्रिंट करना, कागज़ कहाँ से लेना, बुक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों के पेपर कैसे कलेक्ट करना, अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, कोई कॉपी पेस्ट है तो उसको कैसे ढूंढना, एडिटिंग करना, ग्रामेटिकली करेक्शन करना, ये सब बहुत ही समय की बात थी, बहुत उसको समय जाता था। कॉलेज वर्क करके मुझे ये सब करना पड़ता था और सब इस बात के लिए सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने हेल्प किया तो हमारे ये कंप्यूटर ने हेल्प किया। हमने शुरुआती के दौर से नेट से
अलग अलग सी सोशल वेबसाइट से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोगों रिसर्च स्कॉलर के प्रोफेसर्स के नंबर निकाले, उनको मैसेज किया और हमारा इंट्रोडक्शन करके दिया। इस बात के लिए मुझे फेसबुक व्हाट्सअप ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस था, अब ये गूगल प्लस बंद हो गया है, तो ये अलग अलग सी सोशल मीडिया की जो साइट्स है वहाँ से मुझे लोगों को कांटेक्ट करने में आसान गया। अलग से डिजिटल जो एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से हमने हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया और लोगों से परिचित हो गए, तो ज़्यादा लोगों का रिस्पांस मिलने लगा। कुछ लोग जो है वो मैसेज आने के कारण या सोशल मीडिया पे या किसी को हमने प्रमोशनल ईमेल भी भेजा तो गुस्सा करते थे। स्वाभाविक है कि उन्होंने गुस्सा करना, कोई जान पहचान नहीं, अगर ट्राई के नियम से डायरेक्टली आप प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने हमें सहारा और काफ़ी सारे लोगों ने नवाजा भी कि भाई ये कम्युनिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला है, डिजिटल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉलिंग है, वॉइस कॉलिंग है, मैसेजिंग है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, सोशल मीडिया पे है, विद्यावार्ता.com वेबसाइट मैंने खुद पहले सर्च किया कैसे वेबसाइट डेवलप किया और खुद डिज़ाइन भी बनाया। गूगल साइट पे फ्री वेबसाइट बना सकते थे, वो वेबसाइट पे भी हम ऐड चलाते थे, तो ये सब एडवर्टाइजिंग की वजह से, डिजिटल और नेट कम्युनिकेशन की वजह से ज़्यादातर लोगों तक हमें पहुंचने में आसानी हो गई। तो मैं स्पेशली इन सब टेक्नोलॉजी का स्पेशली थैंक बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मुकाम तक पहुँचने में बहुत सहायता की। आगे मैं कुछ और इसकी जो अंदर की बारीकियाँ हैं, जो छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिन सॉफ्टवेयर ने हमें बढ़ने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, प्रोफेशनली प्रेजेंट करने के लिए, प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया बनाने के लिए, और कंटेंट ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कौन से लेवल का है, ओरिजिनल सेकंड क्वालिटी का है, ये सर्च करने में जिन सॉफ्टवेयर्स ने, जिन टूल ने हमें हेल्प की, ये भी मैं आपको बताता हूँ। विद्यावार्ता रिसर्च मैगजीन शुरू किया था तब केवल लोग ISSN नंबर है क्या इतना ही पूछते थे। ISSN की डायरेक्टरी भी नेट पे अवेलेबल रहती है, कोई लोग ISSN नंबर क्या है बोल के ISSN नंबर उस डायरेक्टरी में सर्च करते थे। ISSN नंबर सर्च करने के बाद उनको तसल्ली होती थी तो वो अपना आलेख, अपना शोध पत्र, रिसर्च पेपर हमें भेजते थे। बाद में इसको UGC का अप्रूवल लेना ज़रूरी हो गया और उसमें इम्पैक्ट फैक्टर, ये जो कंसेप्ट है वो आ गई। तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, यानी कि आपका मार्केट में, रिसर्च वर्ल्ड में, एजुकेशन में प्रभाव कितना है, कितने लोग आपका मैगजीन पढ़ते हैं, आपके मैगजीन का रेफरेंस कोई लेता है, या ओरिजिनल सोर्स से आए हुए कितने पेपर आपने पब्लिश किए हैं, रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से पब्लिश किए हैं, पूरे पेपर्स में अब्स्ट्रैक्ट है क्या, कौन से फील्ड के पेपर हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, ओरिजिनल पेपर्स हैं, कॉपी पेस्ट पेपर्स है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कितने हैं, और रेगुलरली पब्लिश होता है क्या, ऑथर की इंट्रोडक्शन कैसे दी है, ऑथर का नाम दिया है क्या, उसका कॉन्टैक्ट दिया है क्या, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बातें पकड़ के इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है, इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन करने की अलग अलग सी डाटा एजेंसियां होती हैं, डाटा कंपनी होती है, इन डाटा बेस से अपना रिसर्च जर्नल वैल्यूएट करके इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है। तो पूरा एक साल हमें ये समझने में लगा, 2013 में कोई भी हमें इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला था, कोई भी इतना प्रभावशाली हमारा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, लिमिटेड टीम थी और मैं अकेला ही काफ़ी ज़्यादा काम करता था, एडिटिंग का भी करता था, हमारी मिसेस अर्चना जी है वो भी टाइपिंग का काम करती थी, तो मैं डिज़ाइन का भी काम जानता था, ये काम करके और पैकेजिंग, पोस्टेज, ये काम करके हम चला रहे थे। तो 2014 में हमने ये और प्रोग्रेस किया और हमें 2014 में पहली बार इम्पैक्ट फैक्टर मिला। उसके बाद 2013, 14, 15, 16, 17, 18 और आज 19, 2019 में 6.021 इतना हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है। IIJIF ये जो इंटरनेशनल इनोवेटिव
जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, ये जो डाटाबेस है उनसे हमें ये इम्पैक्ट फैक्टर मिला है, और 6 के अबव ये इम्पैक्ट फैक्टर होने के कारण लोगों को एपीआई में इसके अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो भी पेपर देने के लिए, रिसर्च पेपर देने के लिए प्रभावित होते हैं। यह विद्यावार्ता का जो सफ़र है, वो शुरुआती का सफ़र मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। काफ़ी समय की बात है ये कि काफ़ी लोगों को वेबसाइट और ईमेल, इसमें क्या अंतर है ये भी पता नहीं था। हमने कोशिश की है कि वेबसाइट और ईमेल में क्या अंतर है ये लोगों को समझाने की। लोगों के पास, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, अवेलेबल है, उनका सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन ये जो नया टेक्निकली नॉलेज है उनमें से वो दूर है। तो ऐसे लोग भी हमें पूछते थे कि भाई ये कौन सी वेबसाइट पे पेपर डालना है, कौन सी वेबसाइट पे भेजना है। तो पेपर जो अपना शोध पत्र है वो वेबसाइट पे भेजने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ईमेल पे सेंड करिए। सॉफ्ट कॉपी क्या है ये भी हमें समझाना पड़ता था। अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर जो हैं वो तो बहुत ही टेक्निकली आगे निकल गए हैं। फीस जो जमा करनी है हार्ड कॉपी के लिए, जो अमाउंट डिपॉजिट करना है, वो भी बहुत टेक्निकली मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, नेट बैंकिंग, इससे आसान हो गया है। लेकिन ये जो सभी टेक्निकली बात है वो नए प्रोफेसर्स को समझाना और उनसे ठीक से वर्क करके लेना हमें उस शुरुआती के दौर में बहुत कठिन गया। लेकिन लोगों ने सहयोग किया, हमें भी बहुत उस पर एडिटिंग करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कौन किस फॉन्ट में मैटर भेजेगा। वर्ड में भेजो ऐसा कहा तो कोई पेज मेकर में भेजते थे, पेज मेकर में भेज दो ऐसा कहा तो पीडीएफ में भेजते थे, कोई लोग फ़ोटो खींच के भेजते थे, स्कैन करके भेजते थे। सॉफ्ट कॉपी का मतलब केवल ओपन फाइल, जो टाइप किए वाली ओरिजिनल फाइल है, यही भेजना, ये लोगों को समझ में नहीं आता था, तो उसको कन्वर्ट करके भेजते थे। अगर आपने वर्ड में मैटर नहीं भेजा, जेपीजी में भेजा, फ़ोटो फाइल भेजी, स्कैन करके भेजी, तो वो बुक में इंक्लूड करने के लिए दोबारा टाइप करनी पड़ती है। जब दोबारा टाइप करेंगे तो उसमें करेक्शन होता है, ये करेक्शन निकालना या बुक में तार तोड़ करके इंक्लूड करना, ये बहुत दिक्कत का काम रहता था। लेकिन अब तो हम केवल सॉफ्ट कॉपी, क्लियरली ओपन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप की वाली फाइल ही एक्सेप्ट करते हैं। आप भी ध्यान रखिए, कहीं भी अगर आपको मैटर भेजना है तो वर्ड फाइल में भेजना, उसमें भी हिंदी के अलग फॉन्ट रहते हैं, मराठी के अलग फॉन्ट रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी के अलग फॉन्ट रहते हैं, तो आगे वाले से ठीक से कम्युनिकेशन करिए कौन से फॉन्ट में मैटर भेजना है। हिंदी के लिए कृतिदेव अच्छा फॉन्ट है, पूरे इंडिया में कृतिदेव 010 ये फॉन्ट चलता है और ये हम एक्सेप्ट करते हैं। मराठी के लिए भी ISM है, श्रीलिपि है, कृतिदेव है, अब तो यूनिकोड में भी माइक्रोसॉफ्ट यूनिकोड, एरियल यूनिकोड, मंगल, ये जो फॉन्ट है ये पूरे इंडिया में मोबाइल में भी चलते हैं, तो ये फॉन्ट भी हम अब एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रिसर्च पेपर के संदर्भ में फीस, हार्ड कॉपी नहीं मिली, सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे पेपर भेजना है, कब इशू पब्लिश होने वाला है, ये तो हमने बहुत फ़ोन पे बात कर ली है, लेकिन पर्सनली या विजुअली हमने कम्युनिकेशन नहीं किया है। यही बात ध्यान देते हुए मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ये छोटा सा मेरा पर्सनल कंप्यूटर है जहाँ से मैं एडिटिंग का और कम्युनिकेशन का काम करता हूँ, बुक पब्लिकेशन की एडिटिंग करता हूँ, मेरे पर्सनल मेल चेक करता हूँ, और यहीं पे बैठ के मैं आपसे छोटे से ये मेकिंग विद्यावार्ता के गप्पे लगा रहा हूँ। आपको भी ये बातें बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो शोधार्थी हैं, उनसे बातें किए जाए, और एक प्रोफेसर होते हुए भी मैंने ये प्रोफेशनली या पब्लिकेशन इथिक्स संभाल के ये पब्लिकेशन का बिजनेस जो है
ये प्रिंटिंग का जो बिज़नेस है वो कैसे चला है, इसकी बातें आपसे करूं। इस हिसाब से मैंने ये मेरे मोबाइल से ही मेरे घर पे बैठे हुए छोटा सा वीडियो बनाया है, आपको भी पसंद आएगा। अगर आप और भी कुछ मुझसे बातें करना चाहते हैं तो इसके कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये कम्युनिकेशन बनाने के लिए ही मैंने ये विद्यावार्ता नाम से ही YouTube चैनल बनाया है। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आती है, हमारा ये कम्युनिकेशन ठीक लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा ये वीडियो आगे भी भेज दिए। ख़ास तौर पर मुझे विद्यावार्ता चलाते समय कंप्यूटर पे एडिटिंग करने के लिए बहुत ही दिक्कत आई। अलग अलग से लोग अलग अलग से फॉन्ट यूज़ करते हैं, अपना मैटर भेज देते हैं और हार्ड कॉपी के लिए या उनके पोस्टेज चार्जेस के लिए फ़ीस जमा करते हैं और बाद में फ़ोन करते रहते हैं कि कब बुक मिलेगी, कब मैगजीन डिस्पैच होगी, ऑनलाइन दिख नहीं रही है, कहाँ पे है। तो पहले मुझे वो मैटर ठीक ठाक करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। हिंदी समझ लेना, क्योंकि मेरी रीजनल लैंग्वेज जो है मराठी है, तो हिंदी समझ लेना, इंग्लिश का भी नॉलेज जो है मेरा ख़ास तौर पे बेसिकली ही है। स्पष्ट बोलूँ तो जो एक्सपर्ट है हमारे टीम में के, उनके ही गाइडलाइंस पे मैंने ये चलाया है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो तो मुझे है नहीं, मराठी का या किसी सोशल साइंस का, हिंदी का भी काफ़ी हद तक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा जो ये जर्नल है विद्यावार्ता मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है, इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल है, सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, तो इनको समझने के लिए और उनको एडिट करने के लिए मुझे काफ़ी सारा समय देना पड़ता है। और इसकी वजह से मेरी आँखों की रोशनी भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन ये अगर काम करना है और लोगों को इम्प्रेस करना है, अच्छा सा प्रेजेंटेशन करना है, विद्यावार्ता नाम से हमारा ये ब्रांड हायर एजुकेशन में टिका के रखना है, चला के रखना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अच्छी खासी आमदनी भी इससे मिलती है। हमारा ये प्रोफेशन है और पैशन भी है। वैसे तो गुजारा चलाने के लिए सर्विस, उसका पेमेंट काफ़ी है, लेकिन जो हमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है वो लोगों को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और अच्छा सा प्रोफेशनली समय भी बिताने के लिए मुझे ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और इसी वजह से मैंने जी जान डाल के ये काम चलाया है। आप भी इसे सहयोग बना के रखिए। दोस्तों, आप भले बातें जानते हैं कि मैं विद्यावार्ता का संपादक बोल के काम जो कर रहा हूँ, एक्चुअली ये हर्षवर्धन पब्लिकेशन का अच्छा सा ब्रांड है, अच्छा सा जर्नल है, इसको चलाने के लिए मैंने कोशिश की है। इसके जो ओनर है घोड़के अर्चना मैडम और हर्षवर्धन पब्लिकेशन, उनको पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए मैंने पर्सनली कोशिश की है। मैं डॉक्टर बापू घोलप ये संपादन कार्य करने के साथ ही एक कॉलेज में मराठी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो जो लोगों का कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर फ़ोन पे होता है, और कभी मैं क्लास में रहता हूँ, कभी ट्रैवलिंग में रहता हूँ, कभी गाड़ी पे रहता हूँ, पर्सनली काम भी रहते हैं, फैमिली मैटर भी रहता है। इस सब बातें ध्यान देके भी मैं लोगों से अच्छा सा कम्युनिकेशन बना के उनका हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी सारे लोगों का API बढ़ाने के लिए, उनका शोध कार्य सुधारने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, वो मेहनत बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने सहायता की है। काफ़ी सारे लोगों को MPhil डिग्री अवार्ड होने के लिए, PhD डिग्री अवार्ड होने के लिए, और काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू में हेल्पफुल हो जाए ऐसे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने के लिए हमने मेहनत की है। आपने भी जो सहयोग किया है उसी वजह से तो ये पिछले 6-7 साल से विद्यावार्ता चल रहा है और आगे भी चलेगा। अगर आपको भी कोई सहायता होनी है, आपको भी कोई विद्यावार्ता की हेल्प लेनी है, तो हमारी जो वेबसाइट है vidyavarta.com, उसको थोड़ा समय निकाल के देखिए। और भी कोई आपको पर्सनली हेल्प होनी है, कोई मदद होनी है, तो हमें बेझिझक फ़ोन करिए, मोबाइल करिए, मैसेज करिए, हम आपके लिए सदैव सहयोग बनाए रखेंगे।